आओ बेटा, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉस 20, कॉस 40, कॉस 60, कॉस 80 प्रूफ करने 1/16 के इक्वल। देखो कैसे करेंगे, जब कॉस वाले लगातार मल्टीप्लाई हो तो मैं क्या करूंगा, यहाँ साइन एक्चुअली 2 sin 20 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। पहले कॉन्सेप्ट जानते हैं ऐसा क्यों। बेटा देखो, हमारे को पता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, साइन 2 थीटा का 2 sin थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है। ये कब लगाना है, अगर आपके कॉस में टर्म्स है और एंगल नोटिस करो, एंगल क्या हो रहा है, हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, 20, 40, 60, 80। अब बोलोगे सर 60 नहीं है, मैं क्या बताता हूँ, 60 की तो वैल्यू आ जाएगी सीधा, दिखाता हूँ कैसे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कॉस 60 की वैल्यू डाल दो, कॉस 60 इज 1/2। अब देखो कॉस 20, कॉस 40, कॉस 80, आ गया वही सीक्वेंस 20, 40, 80। क्या करो, 2 sin 20 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा किससे, 2 sin 20 से, यानी कैसे 1/2 sin 20। यहाँ 2 sin 20 से मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और वहाँ डिवाइड cos 40 cos 80। आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा कर क्यों रहे हो, बेटा क्योंकि अगर आप नोटिस करो तो फॉर्मूला बन जाएगा, एक सेकेंड, cos 20 रह गया, अब ठीक है cos 20 cos 40 cos 80 नोटिस करो फॉर्मूला बन रहा है 2 sin थीटा cos थीटा 2 sin 20 cos 20। क्या होता है, साइन 2 थीटा यानी एंगल डबल, तो 1/4 sin 20 ये देखा साइन 40, क्या बच गया cos 40 cos 80। अगेन आप नोटिस करो sin थीटा cos थीटा sin 40 cos 40, क्या मिसिंग रह गया, सिर्फ ये 2। तो क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, सीधा कर देते हम 1/4 sin 20 इंटू 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 sin 40 cos 40 cos 80। अगेन ये फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ आ गया 1/8 sin 20, क्या हो जाएगा sin 80, क्या रह गया cos 80, अगेन सेम बन रहा है sin थीटा cos थीटा sin 80 cos 80, क्या मिसिंग है 2, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, sin 80 cos 80 1/16 sin 20, और ये क्या हो जाएगा मेरा sin 160। अब एक छोटा सा पॉइंट याद कर लो, जब भी दो एंगल का सम 180, 90, 270 या 360 हो, क्या जब भी दो एंगल का सम क्या हो जाए 90, 180, 270, 360, तो उनमें से हम एक को चेंज करते हैं। ये मैंने अपनी वीडियो में भी बताया हुआ है मिसलेनियस की। फॉर एग्जांपल मेरे पास लेट्स से साइन 20 है और मेरे पास साइन 160 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन 160 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कैन आई राइट साइन 180 माइनस 20, क्योंकि क्या बनेगा, ये मेरा बन गया साइन 180 माइनस थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, फॉर्मूला होता है कौन सा, साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेम यहाँ पर हो जाएगा 1/16 sin 20 इंटू साइन 180 माइनस 20, अब कौन सा क्वाड्रेंट आ गया मेरा 180 माइनस 20 सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव,
वन बाई सिक्सटीन साइन ट्वेंटी क्या हो जाएगा, साइन ट्वेंटी। जिनको नहीं पता उनके लिख दूं, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा के इक्वल। कट गया, कितना आंसर आ गया, 1 बाय 16। हेंस प्रूफ।